हरियाणा में टिकटों को लेकर बीजेपी की आज बैठक हुई। बैठक में अमित शाह, किसान सीएम मनोहर लाल, सुभाष बराला, अनिल जैन, सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में अब तक टिकटों को लेकर कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाली बैठकों में टिकटों को लेकर मंथन जारी रहेगा। हरियाणा कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हुई। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर आज कैथल में हुई रैली में इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला शामिल हुए। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 2 हफ्ते की पैरोल दे दी है। वहीं ताऊ देवीलाल के जयंती समारोह के लिए दूसरे राज्यों के कई सीनियर नेताओं को भी न्योता दिया गया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 106वीं जयंती के अवसर पर सिरसा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क में जेजेपी ने ताऊ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला और पूर्व विधायक नैना चौटाला भी मौजूद रहे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल एक युग पुरुष थे, आज हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। टिकट के चाह में अब बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। सोनीपत के जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रजेंद्र मलिक ने कहा है कि पार्टी की सेवा के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, अगर पार्टी टिकट देगी तो गोहाना से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सुधा भारद्वाज प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। भरोसा जताने के लिए उन्होंने पार्टी को धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी देश की आधी आबादी को बुलंद करने में जुटी हुई है। उनका कहना है कि कांग्रेस विजयी होगी और 60 का आंकड़ा पार करेगी। विधानसभा नारायणगढ़ से बसपा पार्टी का टिकट देने पर अंबाला के प्रभारी संजीव वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों सहित सर्व समाज मौजूद रहा। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के नाम पर एक पत्र जारी किया गया, जिसमें नारायणगढ़ विधानसभा के टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग रखी। प्रभारी ने चेतावनी दी कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वो अपने साथियों और सर्व समाज के सामने जो फैसला होगा वो पार्टी को भेजा जाएगा। कैथल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम मांडी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कैथल के गांवों और शहर का दौरा कर लोगों के साथ जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने बताया कि अब तक कैथल के सभी 45 गांवों का दौरा किया जा चुका है और शहर में भी लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया जाएगा। कैथल के विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैथल की जनता बीजेपी को नकार चुकी है, जिले को पूरी तरह से खंडर बना दिया गया, शहर में निकासी की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। बेरी क्षेत्र की सैकड़ों छात्राएं रोहतक पढ़ने जाने के लिए हर रोज हरियाणा रोडवेज की बसों में बाहर खिड़कियों पर लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बसें न होने से परेशान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि करीब 4 साल पहले सीएम ने बेरी में महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक न तो बेरी क्षेत्र में महिला कॉलेज बना, न ही सरकार ने उनके सुखद सफर के लिए व्यवस्था की। हरियाणा के जींद में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल ऑटो पर तेज रफ्तार टैंकर चढ़ गया, जिससे ऑटो में सवार 10 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हिसार से सेना भर्ती से ये युवक लौट रहे थे कि इसी दौरान ये हादसा हो गया, जिनसे 8 किलोमीटर की दूरी पर राम राय गांव के पास ये हादसा हुआ है।